हाय एवरीवन दिस इज़ वेराने आज का टॉपिक है हमारा बटरफ्लाइज पे कि बटरफ्लाई काउंट जो है एक सर्वे में देखा गया पीचाई वजहानी वाइल्ड लाइफ डिविजन केरला में जो कि इंक्रीज़ मिला है काफ़ी ज़्यादा नई स्पीशीज़ यहाँ पे बटरफ्लाई की मिली है डाइवर्सिटी नई स्पीशीज़ ज्यादा एक विकन से डाइवर्सिटी जो है बटरफ्लाई स्पीशीज़ में वो हमको मिली है तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप आपसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा तो प्रिंट मीडिया में भी ये न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं अब देखिए बटरफ्लाई सर्वे जो पीछे वजहानी वाइल्ड लाइफ डिविजन में हुआ वहाँ पर क्या रिकॉर्ड किया गया कि स्पीशीज का जो नंबर है बटरफ्लाई का वो काफ़ी इंक्रीज उनको मिला देखिए बटरफ्लाई पे हम यूजली भी काफ़ी बात आगे भी करते रहते हैं कि कहीं पे नई स्पीशीज़ बटरफ्लाई की मिलती है यूजली उसी रिलेटेड हम बटरफ्लाईज़ पे बात करते हैं क्योंकि बटरफ्लाईज आर वेरी इंपॉर्टेंट एवरी एनिमल हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन इकोसिस्टम इन इन द इन्वायमेंट तो बटरफ्लाई भी वैसा ही इंसेक्ट है कि इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है वैसे बायोलॉजिकली हम पढ़ने चाहेंगे तो इट्स वेरी डाइवर्स हम बहुत तरीके से अलग अलग कैटेगरीज़ में इसका रोल पढ़ सकते हैं लेकिन मैं आपको ओ ना ब्रीफ नोट अगर बताना चाहूँ कि पहले तो पॉलीनेशन में हेल्प करते हैं एंड आप समझ सकते हैं कि पॉलीनेशन की क्या इम्पॉर्टेंस है एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की पॉलिनेशन में ये हेल्प करते हैं जहाँ पे भी बटरफ्लाई या इस जैसे बटरफ्लाई दिख जैसे दिखने वाले मॉथ्स जहाँ पे प्रेजेंट हो वहाँ पे क्या मतलब रहता है कि वो एरिया Uh, काफ़ी हेल्दी है वहाँ का इन्वामेंट वहाँ का इकोसिस्टम बहुत हेल्दी माना जाता है जहाँ पर बटरफ्लाई होगी तो पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं अच्छा उसके बाद जब मैं आपको एक और चीज़ इन्वायरमेंट लेक्चर्स में बताती हूँ प्रे प्रिडेटर रिलेशनशिप तो बहुत सारे बाकी एनिमल्स का खाना भी है बटरफ्लाई जो इन पर फीड करते हैं तो जहाँ पे आपको बटरफ्लाइज़ मिलेंगी तो वहाँ पे जो काफ़ी इंसेक्ट्स प्रिडेटर्स बर्ड्स जो हैं इन पर फीड करते हैं तो ये भी इनका एक रोल है इको में तो इस तरह से बटरफ्लाइज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर कल को बटरफ्लाइज़ नहीं होंगे तो उस इको को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा तो यहाँ पर यही पाया गया इस सर्वे में कि ये स्पीशीज़ जो हैं इनका बटरफ्लाई स्पीशीज़ नंबर इंक्रीज हुआ दैट इज अ गुड थिंग ये जो सर्वे है ये कंडक्ट किया गया केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ट्रेवल कोर नेचर हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा काफी एनजीओ ने भी यहाँ पे पार्ट लिया अब ये जो एरिया है केरला का यहाँ पे देखा गया टोटली 326 जो केरला में आ, आपको टोटल स्पीशीज बटरफ्लाई की मिलती है उसमें से 156 आपको इसी एरिया में मिली 242 स्क्वायर किलोमीटर की डिवीजन में आपको 156 बटरफ्लाई की स्पीशीज मिली है और पिची वजहानी चिमौनी जो लाननोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं यहाँ पे अलग अलग बेस कैंप्स लगा के ये सर्वे किया गया काफ़ी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया एक साइंटिफिक एक्सरसाइज़ थी ये अब जो कॉमन स्पीशीज़ यहाँ पे मिली वो कौन सी थी सर्दन बर्ड विंग ये लार्जेस्ट बटरफ्लाई है इंडिया में ग्रास ज्वेल ये स्मॉलेस्ट है बुद्धा पिकॉक ये स्टेट बटरफ्लाई है आपके के केरला की डिफरेंट uh, एन अब इनके नाम आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं अराउंड थर्टी फाइव डेलीगेट्स थे डिफरेंट एन जी ओज़ के जिन्होंने इस साइंटिफिक एक्सरसाइज में पार्ट लिया और फिफ्टी फॉरेस्ट ऑफिशल्स थे पिची वाइल्ड लाइफ डिविजन के जिन्होंने इसमें पार्ट लिया अब इस पिचा वजहानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में अगर हम बात करें ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसका हेडकोर्टर केरला में है ये सेंचुरी सेंचुरी नाइनटीन फिफ्टी एट में इस्टेब्लिश की गई थी और इसमें आपके जो पाला पिल्ली नैलीमपथी फॉरेस्ट हैं वो आते हैं इस एरिया में आपकी चिमोनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है जो कि सेकेंड ओल्डेस्ट सेंचुरी है केरला में तो आप देख सकते हैं यहाँ पे केरला का मैप है पिचाई वजहानी इस एरिया की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं और इसी आ, सेंचुरी के बीच में से जो आपकी कुथिरन टनल है वो भी गुजरती है ये फर्स्ट रोड टनल है केरला की जो कि पिचाई वजहानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच से गुजरती है आपने देखा होगा पहली रोड टनल जो एक साइड से ओपन की गई थी तमिलनाडु कर्नाटका कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी देती है अब देखो ये जो सेंचुरी है यहाँ पे और भी बहुत सारे स्पीशीज़ पाए जाते हैं इंसेक्ट्स के सिवाय हम बाकी एनिमल्स की बात करें बहुत अच्छा पॉपुलेशन यहाँ पे बंगाल टाइगर का आपको मिलेगा गौर एलिफेंट्स धोले फ्लाइंग स्कूल्स मिलेंगी 25 फाइव स्पीशीज़ स्पाइडर्स के हैं 50 स्पीशीज़ मॉथ्स के हैं 15 स्पीशीज़ एंट्स के फोर स्पीशीज़ आपको कि के मिलेंगे सिक्स स्पीशीज़ मैंटेड्स तो आप देख सकते हैं रेप्टाइल्स अलग अलग स्पीशीज़ यहाँ पे उनमें भी डाइवर्सिटी आपको यहाँ पे

यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी आप देख सकते हैं एनिमल्स में प्लांट्स में दोनों में ही इस एरिया में बहुत है अब आगे चलते हैं हम ये वाइल्ड लाइफ डिविजन जो है यहाँ पे ट्वेंटी थ्री स्पीशीज़ जो टोटल स्पीशीज़ हैं बटरफ्लाई के उसमें से ट्वेंटी थ्री स्पीशीज़ ऐसी हैं जो रेड लिस्टेड हैं बाय आई यानी या तो एंडेंजर्ड हैं या वालरेबल हैं कहीं ना कोई स्टेटस उनको आयू के द्वारा मिल रखा है प्रोटेक्शन मिल रखी है 63 स्पीशीज़ जो हमारा खुद का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसके अंदर प्रोटेक्टेड हैं ये हम बटरफ्लाइज की बात कर रहे हैं बाकी के बर्ड्स रेप्टाइल्स जो यहाँ पर मिले सर्वे टीम्स ने रिकॉर्ड किए बहुत सारे बर्ड्स ऑडोनेट्स ऑडोनेट्स क्या होते हैं आपके दे आर द इंसेक्ट्स लाइक जैसे आप ड्रैगन फ्लाई देखते हो ना उस तरीके के इंसेक्ट्स होते हैं मॉडोनेट्स रेप्टाइल्स एम्फीबियन स्पाइडर्स यहाँ पे मिलेंगे 152 बर्ड स्पीशीज़ मिलेंगे आपको जो वजहानी इस एरिया में उसके बाद ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल यहाँ से रिपोर्ट किया गया था हाईएस्ट नंबर बर्ड्स के यहाँ पे रिपोर्ट किए गए थे यहाँ पे वन हंड्रेड वजहानी में उसके बाद वाली कायम इन पिची इस सर्वे में इलेवन स्पीशीज़ ऑडोनेट्स जो ड्रैगन फ्लाइज मैंने बताया इस तरह के दिखने वाले इंसेक्ट्स इलेवन स्पीशीज़ अलग अलग आपको मिले हैं जिसमें आपका टोटल नंबर स्पीशीज़ का पीछे वाइल्ड लाइफ डिविजन का एटी थ्री हो जाता है टीम ने और यहाँ पे इन्वेसिव प्लांट्स भी देखे तो इन्वेसिव स्पीशीज़ होना तो खैर कोई अच्छी बात नहीं है इन्वेसिव uh, स्पीशीज़ के साथ साथ एंट्स भी हैं इन्वेसिव स्पीशीज़ या एलियन स्पीशीज़ होते हैं जो उस जगह के एलियन नेटिव uh, नहीं होते कहीं बाहर से आके इंट्रोड्यूस हुए होते हैं और इको को तो uh, खैर कुछ ना कुछ नुकसान ही पहुँचाते हैं इन्वेसिव स्पीशीज़ अब बटरफ्लाई की बात करें तो बटरफ्लाई के बारे में आपको मालूम होना चाहिए एडल्ट फ्लाइंग स्टेज है ये एक इंसेक्ट्स की एडल्ट फ्लाइंग स्टेज है ये ग्रुप लेपिडोपटेरा से बिलोंग करते हैं मॉथ्स जिनकी मैं बात कर रही थी वो भी इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं देखिए बटरफ्लाई रिसर्चर्स को क्यों इसमें हमेशा इतना इंटरेस्ट रहा है क्योंकि इस पर खूब सारी रिसर्च हुई है पेस्ट कंट्रोल को लेकर या अलग अलग इसके विंग्स पैन माइग्रेशन विंग्स को देख के माइग्रेशन को पढ़ा जाता है इसको जेनेटिकली पढ़ा जाता है मोजाइक पैटर्न्स इसके विंग्स के पढ़े जाते हैं जेनेटिक्स में भी आ, एक आप कह सकते हैं एक सब्जेक्ट के तौर पे बटरफ्लाई को यूज किया जाता है और खुद में बटरफ्लाई में इस तरह के मैकेनिज्म्स हैं कि ये खुद से ही पेस्ट कंट्रोल आप कह लीजिए कर लेती है या फिर जो प्लांट्स होते हैं उनके जो होस्ट डिफेंस हैं ये किस तरह के केमिकल्स प्रोड्यूस करती है उनसे लड़ने के लिए सरवाइव करने के लिए ये भी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसमें रिसर्च चल रही है तो रिसर्च के लिए बहुत ही अच्छा इसको एक सब्जेक्ट माना जाता है और काफ़ी रिसर्च इस पर आज तक हुई भी है इसलिए इन्वायरमेंट इको के साथ साथ रिसर्च स्टडीज़ में भी बटरफ्लाई का बहुत रोल है इसलिए भी इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं क्योंकि जिस तरह से इसका लाइफ साइकिल है ये भी एजुकेशन के काम आता है कैटरपिलर जैसे एग्स होंगे फिर कैटरपिलर यानी लार्वा बनेगा फिर प्यूपा बनेगा फिर एडल्ट बटरफ्लाई बनेगी तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है इसको पढ़ना लोग इसको पूरा लाइफ uh, प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स होते हैं uh, और मॉथ और बटरफ्लाई में कुछ डिफरेंसेस है देखने में ऑलमोस्ट आपको एक जैसे दिखेंगे बट यूजुअली बटर बटरफ्लाईज आर मोर कलरफुल एंड मॉथ्स आर बिट डल इन कलर बट देयर आर कलरफुल मॉथ्स आल्सो दिस कैन नॉट बी द ओनली डिफरेंस देर आर अदर डिफरेंस ऑल्सो उनके एंटीने में डिफरेंस होता है Uh, और uh, जो बटरफ्लाइज हैं यूजअली दे आर डायर दे आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे वाइल मॉथ्स आर एक्टिव एट नाइट बटरफ्लाई जब रेस्ट करती है विंग्स को अपनी बॉडी के ऊपर अपराइट रखती है लेकिन मॉथ्स ऑन द अदर हैंड वो अपने विंग्स को पूरे फैला लेते हैं तो कुछ डिफरेंसेस हैं जिससे आप मॉथ और बटरफ्लाई में डिफरेंशिएट कर सकते हैं एंटीने में आपको ऐसा डिफरेंस मिलेगा विंग्स में डिफरेंस मिलेगा बट यूजअली देखने में एक जैसे लगते हैं बिकॉज बहुत सारे इंसेक्ट्स दोनों ही लेपिडोटेरा से बिलोंग करते हैं अब लिए क्वेश्चन है बटरफ्लाईज़ बिलोंगिंग टू तो विच इंसेक्ट ऑर्डर खैर बताई दिया मैंने दो तीन बार रिपीट कर दिया सो इट शुड बी ईजी फॉर यू आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम पर पार्टिसिपेट करके पोल में राइट आंसर टिक कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं अपलिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए कोर्सेज ई एम आई पर भी अवेलेबल हैं थैंक यू सो मच